देश भर में धर्मांतरित तो हो चुके जनजातीय समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर शनिवार जनजातीय सुरक्षा मंच जिला खरगोन द्वारा जिला मुख्यालय पर विशाल डिलिस्टिंग महासभा और महारैली की गई। बिस्टान रोड स्थित अनाज मंडी में हुई सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति के उन लोगों का आरक्षण समाप्त करने की मांग की जो धर्मांतरित तो हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ऐसे लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाकर भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ ले हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 में जिस तरह अनुसूचित जाति के धर्मांतरण करने पर आरक्षण स्वतः निरस्त होना अंकित है, उसी तरह अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए भी धर्मांतरण करने पर आरक्षण सूची से बाहर करने की मांग को लेकर मंच उक्त अभियान चला रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम संयोजक छतर सिंह मंडलोई ने कहा, देश भर में डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन हो चुका है। खरगोन में आज आयोजन है। सभा को न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके, रूप सिंह बाबा, टर्मिला मंडलोई, बापू सिंह परिहार ने संबोधित किया। तत्पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से निकली महारैली में हजारों संख्या में जनजाति बंधु शामिल हुए। सांसद सुमेर सिंह मंडलोई ने मांग का समर्थन किया। ये जनजाति समाज के मूलभूत मांग है। जो जनजाति समाज के भारत के संविधान में आरक्षण की सुविधाएँ दी गई है, उसमें जो धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, उसके ही लोग अधिकांश 80-90% इसका लाभ ले रहे हैं, जिसे जो मूल समाज है अब आज भी वो वंचित और शोषित रूप में अपना जीवन जी रहा है, इसलिए उनको डिलीट करने के लिए आज की ये मांग है। क्या सरकार से क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मांग को आप जरूर पूरा करें, नहीं तो ये देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी, एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। कुछ विदेशी फंडिंग की भी बात करें थे कि चर्चों में आता है, आदिवासी समाज तक नहीं पहुँच पाता है। चर्च में जो फंडिंग आता है वो जो धर्मांतरित है उसी के लिए आता है, वो जो मूल है उसके लिए तो नहीं देगा। धर्मांतरण अभी भी हाँ अभी भी हो रहा है, काफी हो रहा है। बाहर से ये जो फंडिंग हो रही है, इसमें बैंड लगना चाहिए। बैंड लगना चाहिए, निश्चित बैंड लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वो अपने समाज ईसाइयों के साथ साथ हमारे जो मूल हैं उनको भी भटकाते हैं, उनको भी धर्मांतरित करते हैं, इसलिए उनका फंडिंग बंद होनी ही चाहिए। फंडिंग आ रहा है बाहर? आ रहा है। क्या आरोप है आपका? हमारा आरोप है कि हमारे जो मूल जनजाति समाज के लोग हैं उनको धर्मांतरित न करें, उनको प्रलोभन में न फंसाएं, क्योंकि जनजाति समाज यहाँ का मूल समाज है, अरण्य संस्कृति का एक वाहक है। अगर वो संस्कृति खत्म हो जाएगी तो भारत की संस्कृति खत्म हो जाएगी। मतलब बाहर से विदेशों से पैसा आता है धर्मांतरण? हाँ जी। क्या आता है? आता है, किसी न किसी रूप में आता है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।